फिरोजखेल में जहाँ पे हम हमारी स्टे है वहाँ से नीचे एक पानी की तरफ पानी के रास्ते तक जाना है। कुदरती अखरोट ये फिरोजखेल जहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने हमें एक खोजरे में स्टे करवाई, उनके कज़न हैं यहाँ पे और हम अभी नीचे थोड़ा सा एक व्यू एंजॉय करने जा रहे हैं और रास्ते को आप एंजॉय करें इस वीडियो में। कि मकामी लोग ये टरबाइन है, टरबाइन से जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो इससे ही जो है ना इनका गुजर बसर चलता रहता है। फिरोजखेल का एक खूबसूरत मंजर, मौसम भी साफ हो गया है और ये मंजर भी और दिलकश। नेचुरल स्प्रिंग एट फिरोजखेल
ये कुदरती चश्मा इसे मकामी जबान में लजड़ुमा कहते हैं। बहुत खूबसूरत दरख्त। ये मेरे एक दोस्त के जो हमारे साथ आए हैं मोहम्मद दीन, उनके ताया हैं, उनका यहाँ हुजरा है, अभी नया बनाया है इन्होंने और बहुत ही शानदार माशाल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन इन्होंने की है यहाँ पे इन्होंने, और बहुत ही खूबसूरत है। ये आपको अंदर कमरे भी दिखाते हैं। दारा साबाला कमरा जितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है उतनी खूबसूरत ये लोग भी हैं, दिल के साफ मेहमान नवाज। बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है और फाइव स्टार होटल में भी आपको ऐसी कंडीशन मिलती होगी वॉशरूम्स में। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत इलाका और खूबसूरत हुजरा। मेहमान आते हैं यहाँ पे स्टे भी करते हैं। आज सुबह यहाँ पे सफाई हो रही थी तो अभी असर की नमाज के बाद हमें मौका मिला यहाँ पे आने के लिए। तीरा वैली वैसे भी लोगों में बहुत मशहूर है कि यहाँ पे बंक बहुत ज़्यादा होता है, जो कि लेट एक सेंसर चीज़ है, उसमें एक तब्दील भी हो जाता है, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए काफ़ी यूज़ होता है। यहाँ पे आलू भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे एक दोस्त हैं हमारे साथ अभी नीचे, हमें एक जगह की सैर कराने जा रहे हैं ये फिरोज़खेल में ही, तो वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या उगता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जी यहाँ पे लहसुन भी उगती है, पोटैटो भी उगती है और चर्स का बूटा भी उगता है और मूंगफली भी उगता है और सब चीज़ उगते हैं, लेकिन जब हमें हुकूमत ध्यान दे जैतून भी होता है, सब कुछ होता है, ज़फ़रान भी होते हैं, सब कुछ होता है ना, तो
जब हमको हुकूमत वो दे दे तो हम सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत अभी तो थोड़ी थोड़ी लोकल गवर्नमेंट और उनकी तरफ से जो है स्कीम्स भी अप्रूव हुई हैं, जिसमें और एग्रीकल्चर की भी थोड़ी सी रिसर्च शुरू हो गई है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आप क्या कहते हैं? जी जी इंशाल्लाह आ जाएंगी। शाम से पहले का मंजर, मेरे ख्याल से लाइक तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।